नवनियुक्त युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे अजमेर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में बीए बीएड बीएससी बीएड बीए एलएलबी बीपीटी बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट, साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर उतरने की कही बात। नवनियुक्त यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर घोघरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना में ऐतिहासिक कार्य कर रही है और उसके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूरा साथ दिया है। घोघरा ने केंद्र सरकार के कार्यों के खिलाफ निशाना साधा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन बीसीए बीबीए फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नेतृत्व को सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कृष्णा जी को, अजय माखन जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और हमारे राजस्थान के धननायक गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे एक साधारण परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुझे ये युद्ध की जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से ये यूथ ने कोरोना में जो काम किया है, जो भी जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने अच्छे से काम किया है कोरोना को लेकर, और यूथ मजबूत हुए और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है यूथ के माध्यम से हर व्यक्ति तक, हर गरीब तक पहुँचे, यही हर जिले में मैं दौरा कर रहा हूँ और कार्यकारिणी मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, सभी को साथ में लेके चलेंगे और जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेंगी। जैसे कि मोदी जी ने जो वादे किए थे, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन मुझे दिख नहीं रहे हैं, और इन्होंने कोरोना में खाली थालियाँ बजाई, मोमबत्ती जलवाई और ढोल पिटवाई, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा कोरोना के लिए काम किया है, हर गरीब को, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया, हर योजना का फायदा मिल रहा है और हर लोग ये भी यही जानते हैं कि अशोक गहलोत जी ने बहुत राजस्थान में अच्छा काम किया है, पूरे देश से भी हर किसी ने भी काम नहीं किया, और जो जाँचें नहीं हो रही थी वो भी जाँचें पहले बाहर जा रही थी, वो अब हमारे यहाँ राजस्थान में जाँचें हो रही है, और युवा संगठन की एक ट्रेनिंग कैंप रखेंगे, उनको सिखाएंगे कांग्रेस की नीति क्या है, रीति क्या है, कांग्रेस के जो भी पूर्व हमारे नेता थे उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनका इतिहास है, वो जिस तरह से गरीब जनता की सेवा करें, हर वर्ग की सेवा करें, 36 कौमों को साथ में लेके चलें और हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाएं।